अशोक का जन्म कब हुआ था? चार से पाँच क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे सर। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं दीपक आप सभी का केवल सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज SSC GD का जो फर्स्ट सेट का एग्जाम लगभग खत्म हो चुका है, तो चलिए अपन डायरेक्ट कैंडिडेट से बात करते हैं, किस लेवल का एग्जाम रहा, कैसा एग्जाम आया। आइए मैम, कितने अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 60। आपने? 65। लेवल कैसा लगा एग्जाम का? नॉर्मल था पर मैं से ना कैलकुलेटिव आ रहा था। का कुछ क्वेश्चन याद हो तो बताइए। वो आया था अशोक का जन्म कब हुआ था, और कुछ याद? वो ललित वो आएगा 49वे न्यायाधीश कौन थे? नीति आयोग का कुछ आया था? हाँ, इससे वो नीति अध्यक्ष कौन थे? और कुछ याद हो तो करंट से क्या आ रहा है? करंट से और से कुछ याद है? हिस्ट्री से? हिस्ट्री से ये अशोक का अशोक का आर्टिकल संविधान से कुछ आ रहा है? हाँ, 2 से 3 क्वेश्चन आए। मैथ में किस टॉपिक से ज्यादा आ रहा है? इसमें लाभ हानि के साथ एक क्वेश्चन था। ट्रेन वाला एक क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क था? दो क्वेश्चन थे। नंबर सिस्टम के एक क्वेश्चन। बोर्ड मास से कुछ आ रहा है? बोर्ड मास हाँ, वही नंबर सिस्टम में था। एडवांस मैथ के कितने आ रहे हैं? एडवांस दो क्वेश्चन दो थे हाँ। रीजनिंग में कौन सा टॉपिक ज्यादा आ रहा? मैथ रीजनिंग में वो सर्कल में बिठाने वाला, श्रृंखला में दो आए थे। कोडिंग डिकोडिंग का एक आया था। आकृति वाले एक क्वेश्चन था। आकृति का एक वाला था और एक क्वेश्चन में जमाते है ना अपन एक श्रृंखला में आकृति वाला। हिंदी कैसी थी? हिंदी नॉर्मल थी। मतलब गद्यांश सरल था? कठिन सरल था। रहे बाची आ रहे हैं? दो त्रुटि वाले जो गलत बात कर रहे थे, तीन से चार क्वेश्चन। जिन लोगों का आगे एग्जाम आपने क्या बताना चाहोगे? ये क्वेश्चन तो अच्छा आ रहे, मैथ्स में सरल आ रहा, बस है ना क्रिकेट में मैनेजमेंट कर ले तो वो काफी अच्छा रहेगा। चलिए मैं आपका बहुत बहुत और कितने अटेम्प्ट किए? सर मैंने 72 अटेम्प्ट किए। लेवल कैसा लगा? लेवल इजी और मॉडरेट लेवल था सर, कोई हाई लेवल नहीं है एग्जाम का। एग्जाम बहुत इजी के क्वेश्चन याद बताओ। जीके के क्वेश्चन है सर, अशोक का जन्म हुआ है कब हुआ था, कितनी बीसी में हुआ था, महान्यायवादी से एक क्वेश्चन था सर, एग्जैक्ट याद नहीं है सर। उसके बाद मैं बता रहा हूँ ना सर, आर्टिकल में भी वही महान्यायवादी किस से संबंधित, किस आर्टिकल संबंधित है। नृत्य आया था सर, एक नौ छक्का ऐसा कुछ नृत्य था सर, मेरे को अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। मतलब जो टाइप्स हैं वो सभी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। पंचवर्षीय नहीं आया सर आपको है ना? मैथ बताओ। मैथ मैथ्स सर इजी थी। चार से पाँच क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे सर, बाकी सर मैथ्स बहुत इजी था। हाँ, यदि आपने पहले से पढ़ा है तो आपको आता है। रीजनिंग सर मैंने सर देखिए मैं बता देता हूँ आपको, मैंने किस मतलब रीजनिंग में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए सर, मैंने 18 क्वेश्चन रीजनिंग में अटेम्प्ट किए, हिंदी में 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। हिंदी सर बहुत सरल हिंदी आ रही है, वो मतलब एक समझ के करना है। पर्यायवाची यदि आपने समुद्र का पर्यायवाची पूछा था सर उन्होंने, और अशुद्धियाँ दो अशुद्ध वर्तनी थे, मतलब जो भी था बहुत सरल था। मैंने 19 क्वेश्चन हिंदी में करे हैं और 18 क्वेश्चन रीजनिंग में करे हैं सर। बाकी सर मैंने GS में कम क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि थोड़ा मुझे GS में डाउट लग रहा था, तो मैंने तुक्के नहीं मारे सर। सर जिन लोगों का आगे एग्जाम आपने क्या बताना चाहोगे? मैं बस जिन लोगों का आगे एग्जाम है उन्हें यही सलाह देना चाहता हूँ कि पेपर देने से पहले मॉक टेस्ट अवश्य लगाएं, उससे आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। टाइम की बहुत एग्जाम में कमी पड़ रही है, यदि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे तो एग्जाम छूटेगा। बस सभी को यही बोलना चाहता हूँ, धन्यवाद। चलिए सर धन्यवाद। कितने अटेम्प्ट किए क्वेश्चन? मैंने किया 57। 57 लेवल कैसा लगा सर? बहुत अच्छा। जीके का क्वेश्चन याद बताइए क्या क्या रहा? जीके का क्वेश्चन में जैसे नीति आयोग मतलब 2022 में अगस्त में कौन वो मंत्री बना, और मौर्य की मतलब वो कब मृत्यु हुई थी, ऐसी क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब आसान वो क्वेश्चन आ रहे हैं। और मतलब आर्टिकल संविधान से कुछ आ रहा है? आर्टिकल से आ रहे हैं, मतलब ये महालेखा परीक्षा वही वाला है। और सर हिस्ट्री से यही मौर्य की मौर्य का आया था। उसके बाद सर स्टैटिक जीके में क्या आ रहा है? नृत्य वगैरह कुछ आया? नृत्य नहीं आया। बुक से लेखक का नाम नहीं आया। कोई मुख्यमंत्री का नाम उसका आया था, स्टेडियम का नाम आया था, ब्रोबेन स्टेडियम का। हाँ। तो मैथ में कौन सा टॉपिक ज़्यादा आ रहा है? इसमें ये चक्रवर्ती ब्याज और प्रॉफिट लॉस, LCM, SCF, टाइम एंड वर्क मतलब दो चार क्वेश्चन आ रहे हैं। नंबर सिस्टम से आ रहे हैं? नंबर सिस्टम से एक दो क्वेश्चन और सीरीज वाले क्वेश्चन। बोर्ड मास से दो क्वेश्चन आए। एडवांस मैथ के कितने आ रहे हैं? एडवांस मैथ चार एडवांस मैथ के आ रहे हैं। सर रीजनिंग में कौन सा टॉपिक ज़्यादा आ रहा है? रीजनिंग में एक तो ये आ रहा है आयु, हाँ आयु और ब्लड रिलेशन। हाँ, सिटिंग वाले आए थे तीन क्वेश्चन। नंबर सीरीज के कितने थे? नंबर सीरीज के दो। कोडिंग डिकोडिंग
वही दो तीन थे। कथन निष्कर्ष वाले आ रहे हैं, कथन निष्कर्ष एक आया था, एक आया आकृति मिरर वाले दो। घड़ी कैलेंडर आ रहा है कि नहीं? घड़ी कैलेंडर नहीं आया, नहीं आ रहा था। हिंदी कैसी थी? हिंदी तो बहुत आसानी, 40 में से 40 है। और मतलब विशेषण वाले बताइए हिंदी में क्या क्या आ रहा है। जैसे एक विशेषण वाला क्वेश्चन आया कि मतलब एक आम ने वो आम कैसा था, उसकी विशेषता बतानी है। और एक क्वेश्चन ऐसा था पर्यायवाची, कुछ याद हो तो पर्यायवाची मतलब उसका समुद्र का आया था। और एक पैराग्राफ मतलब बहुत सिंपल आ रहा है, मतलब हर कोई कर लेगा हिंदी तो। सर जिन लोगों का आगे एग्जाम, आपने क्या बताना चाहोगे? बस ये मेहनत करें और डरे नहीं, पेपर देने जाएं और आराम से समझ के पेपर करें तो आप पास हो जाओगे। चलिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कितने टाइम करी? हमने 60 करे। लेवल कैसा लगा आपको? लेवल तो ठीक था, लेकिन टाइम मैनेजमेंट कर ले जाए। क्वेश्चन याद है तो बताइए। एक तो नीति आयोग के अध्यक्ष आए थे मोदी जी, और एक CSR के अध्यक्ष आए थे। और नृत्य से क्या आया? नृत्य आया था उत्तराखंड का, बताना था इसमें तो उत्तराखंड का नृत्य आया था। और कुछ याद हो तो? और हिस्ट्री में क्या आ रहा है? हिस्ट्री में एक सन आई थी, मतलब कि जाने मौर्य या कुछ, मतलब इनकी मृत्यु कौन सी सन में हुई थी। आर्टिकल संविधान से कुछ आ रहा है? आर्टिकल आया था महान्यायवादी की शक्तियाँ 100। सर मैथ में किस टॉपिक ज्यादा रहा? मैथ में इजी आ रहा है। जो है कुछ टॉपिक ज्यादा आ रहा है मैथ में? दो आए थे टाइम एंड वर्क से, और एक नावधारा से, और CI से आया था एक। मतलब कि सब टॉपिक से आ रहा है। रीजनिंग में थोड़ी एक क्वेश्चन वो नहीं बना था। कोडिंग का नहीं बना। एक बेटा के कितने थे? सिटिंग वाले कितने? दो थे सिटिंग। नंबर सीरीज के नहीं होने तीन क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन के भी आए थे? ब्लड रिलेशन का एक था। हिंदी कैसी थी? हिंदी ईजी आ रही। क्वेश्चन याद हो तो बताइए हिंदी का। हिंदी में आया था मतलब कि 5 क्वेश्चन तो खालिस्तान भरने आए थे। और एक गद्यांत कैसा था? गद्यांत गद्यांत सरल था। एक समुद्र का पर्यायवाची था। और एक मतलब खालिस्तान में विलोम पूछा था, सक्रिय को निष्क्रिय। ये सर आपका बहुत इजी यार। आपने 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं आपने सर? कितने? सर मैंने 74 अटेम्प्ट किए। आपको लेवल कैसा लगा एग्जाम का? सर लेवल बहुत इजी टू मॉडरेट था। पेपर जो आया था बहुत अच्छा आया था। जीके का कोई क्वेश्चन याद हो बताइए, क्या क्या आ रहा है? जीके में अनुच्छेद से क्वेश्चन आ रहे हैं। आप बताइए। नीति आयोग का एक अध्यक्ष पूछा था, और दो आयु से बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। साइंस से पूछा रहा? साइंस से आए हैं बहुत अच्छे। और क्वेश्चन कोई याद हो बताइए। साइंस कम आई थी, लेकिन हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आए थे। अशोक का जन्म पूछा था उन्होंने, मृत्यु पूछी थी उन्होंने। इसके बाद में अनुच्छेद से क्वेश्चन था, और हिंदी में कुछ आ रहा है जी। पंचवर्षीय बिल्कुल उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा था। उसमें ये पूछा था कि 1950 से 1951 उपचुनाव का कुछ आया? उपचुनाव का उपचुनाव से भी कुछ नहीं है ना। पंचवर्षीय योजना आई है ना जनगणना आई है। दो क्वेश्चन वेंचुरेशन से आए हैं मैथ्स में, लेकिन दिक्कत ये है कि कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कैलकुलेटर में। कौन सा टॉपिक ज्यादा आ रहा है? परसेंटेज आ रहा है सर, प्रॉफिट लॉस आ रहा है। जो क्वेश्चन है मतलब एजी टू मॉडरेट टॉपिक ज्यादा आ रहा है मैथ्स में। भाई बात ये है कि क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले आ रहे हैं। इस बार 20% 2% नहीं, 0.02% जनसंख्या भराई थी, और जो 3 साल भराई है तो इसमें कैलकुलेशन भर जाएगा। CI में भी जो पूछा है वो अर्धवार्षिक ब्याज पूछ रहा है। डायमंड वर्क आ रहा है, डायमंड वर्क भी आ रहा है, और एकांतर दिन वाला क्वेश्चन आया। 2 से 3 क्वेश्चन आए थे डायमंड वर्क से। क्वेश्चन आए एडवांस मैथ कैसा आ रहा है? दो क्वेश्चन आए थे, सिंपल थे, उसमें ज्यादा दो क्वेश्चन का पैटर्न फिक्स है, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। रीजनिंग कैसी थी? रीजनिंग भी बढ़िया थी। रीजनिंग थोड़ी टाइम टेकिंग थी, उसमें टाइम लग रहा था। मतलब जो भी पेपर के लेवल हाथ नहीं वाले जो क्वेश्चन थे ना, वो पेपर बिल्कुल कठिन नहीं आ रहा, लेकिन दिक्कत ये है कि क्वेश्चन जो बन रहा है वो कैलकुलेशन वाले बहुत है। सेटिंग अरेंजमेंट में भी 6 लोगों को उसने 2 बार बिठाया है, एक ब्लड रिलेशन में है, समय ले रहा है पेपर। हिंदी सर जीके से जो क्वेश्चन आए थे ना, उसमें इकोनॉमिक्स वाले 2-3 क्वेश्चन थे, मतलब उनका लेवल थोड़ा ठीक था। हिंदी में जो क्वेश्चन आए थे वो मीडियम। हिंदी में एक समुद्र का पर्यायवाची पूछा था, और क्रिया विशेषण जरूर पूछ रहा है वो। दो क्वेश्चन तो क्रिया विशेषण के साथ गद्यांश सिंपल था, बिल्कुल एजी था वो तो, उसमें कुछ नहीं था यार। जिन लोगों का आगे एग्जाम, आपने क्या बताना चाहते? ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें टेस्ट बुक पे। उसके बाद में जो चीजें आ रही है, पहले एग्जाम हो चुके हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। चीजें उन्हीं में से बन के आ रही है। आपका पेपर है, उनसे बस यही कहना है कि पेपर बन पूरा जाएगा आपसे, लेकिन आप यदि समय मैनेज कर लेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा हो, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा है। बिल्कुल सही बात है। आप लोगों का बहुत बहुत चाहिए। जो चैनल है इनको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, केवल सरकारी नौकरी का चैनल है। थैंक यू सर। कितने अटेम्प्ट किए आपने? मैंने 75 अटेम्प्ट किए। लेवल कैसा लगा? लेवल बहुत ही इजी लेवल था। अच्छा, जीके का क्वेश्चन याद हो तो बताइए, जीके में क्या क्या आ रहा है? जीके एक तो आया था नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, मौर्य जो अशोक मौर्य है उनका मृत्यु कब हुई थी, और तीसरा आया था जनगणना 2011 की कितने चरणों में पूरी हुई थी, और
ये तीन क्वेश्चन मेरे को है और मेरे को कुछ याद नहीं है। कुछ राष्ट्रपति पूछ रहा है, राज्यपाल मुख्यमंत्री नहीं, राज्यपाल मुख्यमंत्री एक भी नहीं पूछे अभी तक। उपचुनाव से कुछ क्वेश्चन आया? उपचुनाव से अभी तक कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया। किसका? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। न्यायालय का आया है सर। मैथ में क्या आ रहा है? मैथ में सिंप्लीफिकेशन आ रहा है और चक्रवृद्धि ब्याज आ रहा है, ब्याज की और क्या नाम, प्रॉफिट लॉस आ रहा है। बस नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम से अभी ऐसा कोई देखने मिला? बोर्ड मास से था। हाँ, बोर्ड मास से दुख थी। एडवांस में सिंप्लीफिकेशन से था। हाँ, दो क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन अनुपात। हाँ, शंकु वाले। हाँ, शंकु वाले, बेलन वाले। हाँ, शंकु वाले, बेलन वाले भी थे, वो ट्रिग्नोमेट्री में थे ना। हाँ, और सर रीजनिंग में कौन सा टॉपिक ज्यादा आ रहा है? रीजनिंग में तो ये है, क्या बोलते हैं इसको, बैठक वाले थे, सेटिंग अरेंजमेंट। हाँ, सेटिंग अरेंजमेंट के दो थे। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग में के भी लगभग दो क्वेश्चन थे। नंबर सीरीज के कितने थे? नंबर सीरीज में श्रृंखला वाले, श्रृंखला वाले लगभग दो क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन, ब्लड एजुकेशन के भी दो क्वेश्चन थे। आकृति वाले थे, मिरर वाले। आकृति में एक था, उत्तल दर्पण वाला था। कथन निष्कर्ष आ रहा है? कथन निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष एक आया था, सिंगल आया था। सर हिंदी कैसी थी? हिंदी, हिंदी, हिंदी के बाद पूछे, हिंदी का लेवल बहुत ईजी था। कुछ याद हो तो बताइए, क्या क्या पर्यायवाची विलोम? हाँ, पर्यायवाची जैसे क्या बोलते सरिता, क्या बोले, कौन सी नदी थी? सरिता नदी थी ना। हाँ, उसका विलोम वो पर्यायवाची पूछा था, समुद्र का पर्यायवाची, सॉरी जलधि बताया था उसमें। और गद्यांश कैसा आया था? गद्यांश तो पढ़ी नहीं पाया यार, पाँच नंबर का हमने था। समय कम पड़ गया? समय नहीं कम पड़ गया, क्या है कि वो हमारा दूसरा इंग्लिश का खुल गया था। अच्छा, हिंदी का नहीं खुल पाया था। हाँ, तो उसमें अटेम्प्ट कम कर पाया। चलिए सर, आपका बहुत 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 धन्यवाद। सर आपने कितने अटेम्प्ट किए? 63। लेवल कैसा लगा एग्जाम का? लेवल बढ़िया है, बढ़िया था। जीके का वो क्वेश्चन याद हो तो बताइए, जीके में क्या क्या आ रहा है? जीके में आ रहा है अनुच्छेद वगैरह आ रहे थे। अनुच्छेद हिस्ट्री से क्या आया? जनगणना वगैरह। जनगणना हिस्ट्री से कुछ आया? हिस्ट्री से नहीं याद है, और मैथ से लावानी। हाँ, और रेलगाड़ी। हाँ हाँ, अनुपात समान अनुपात। हाँ, नंबर सिस्टम आ रहा है, समयकार वाले आ रहे हैं। हाँ आ रहे थे, बोर्ड मास वाले भी थे। हाँ ये एक था, वो भी था। एडवांस में कितना आ रहा है? नॉर्मली है सब। हाँ नॉर्मल है, नॉर्मल है। रीजनिंग में कौन सा टॉपिक ज़्यादा आ रहा है? रीजनिंग में श्रृंखला वगैरह। हाँ, और सिटिंग वाले आ रहे हैं? सिटिंग वाले कितने? हाँ कितने सिटिंग वाले? दो या तीन? दो थे। दो थे। नंबर सीरीज वाले? नंबर सीरीज वाले भी थे दो तीन। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग? कोडिंग डिकोडिंग भी थी। ब्लड रिलेशन वाले? दर्पण थे और ब्लड रिलेशन थे, वो भी थे। हिंदी, हिंदी, हिंदी भी थी, विलोम वगैरह, पर्यायवाची। त्रुटि वाले कितने थे? त्रुटि वाले भी थे, और एक थे, एक, एक थे पता नहीं अध्यांश वगैरह क्या थे, उसमें पांच पांच ऑप्शन थे, वो सवाल थे चार पांच। हाँ वो चार पांच सवाल थे। चलिए सर, आप सर कितने अटेम्प्ट किए आपने? 73। सर जीके कैसी आई थी आज? जीके तो थोड़ी मतलब नॉर्मल थी। नॉर्मल थी। जीके का कुछ क्वेश्चन याद हो तो बताइए, क्या क्या आ रहा है? का वो 2011 की जनगणना पूछी थी, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी बारे मतलब वो महारानी थी उसके बारे में कुछ। हिस्ट्री से क्या पूछा? हिस्ट्री से वो कुछ याद नहीं, याद नहीं। मैथ, मैथ में कौन सा टॉपिक ज़्यादा आ रहा है? मैथ में वो औसत वाले आ रहा है। औसत वाले और लाभहानि वाले आ रहे हैं? लाभहानि वहाँ एक दो थे, रेलगाड़ी वाले। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मैंने 70 किए। लेवल कैसा लगा एग्जाम का? अच्छा था। अच्छा, जीके कैसी आ रही? जीके, जीके ठीक थी, ज़्यादा कोई क्वेश्चन याद हो तो बताइए, जीके का क्या आ रहा है? जीके का, जीके मैंने फर्स्ट किया था इसलिए याद नहीं है मेरे को। मतलब नृत्य आया था कुछ, नृत्य वगैरह? नहीं आया ऐसा कुछ नहीं। आर्टिकल संविधान से? आर्टिकल संविधान से नहीं आया। करंट के कितने थे? करंट के, करंट के लगभग पाँच क्वेश्चन थे। मैथ में किस टॉपिक से ज़्यादा रहा? मैथ में, मैथ में यही अपना क्या बोलते हैं, परिधि वगैरह, लाभ हानि, परसेंटेज वगैरह आए थे कुछ पाँच। रीजनिंग में क्या याद आ रहा है? रीजनिंग में, रीजनिंग में तभी कुछ याद नहीं। हिंदी, हिंदी, हिंदी का आया तो बहुत इजी था हिंदी का। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।